नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दी करंट अफेयर शो में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के दी करंट अफेयर शो में हम बात करने वाले हैं, हमारे देश में करोड़ों युवा हर साल सरकारी पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। हमारे देश में अगर सेंट्रल लेवल पर देखें तो 20 ऐसी प्रमुख एजेंसियाँ हैं जो अलग अलग परीक्षाओं का आयोजन करवाती हैं, जिसमें से दो प्रमुख एजेंसी है SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और दूसरी एजेंसी है RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। और पिछले कुछ दिनों से ये दोनों ही एजेंसियां लगातार विवादों में हैं। पहले भी इन एजेंसियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर देखें तो इन दोनों ही एजेंसियों के खिलाफ एक रिवॉल्यूशन आया हुआ है। छात्रों द्वारा और शिक्षकों द्वारा भी, यानी कि आप कह सकते हो कि दोनों ने सामूहिक रूप से इन दोनों ही एजेंसियों के खिलाफ रिवॉल्यूशन खड़ा कर दिया है। वजह क्या है? RRB ने 2019 इलेक्शन से पहले 90,000 वैकेंसीज निकाले थे जिसकी परीक्षा अभी तक आयोजित नहीं की गई है। वहीं अगर SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें तो SSC CGL का एग्ज़ाम जो कि 2018 में शुरू हुआ था, जिसका प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है और इसको लेकर छात्रों के बीच में काफ़ी गुस्सा है और गुस्सा जायज भी है। लेकिन गुस्सा सिर्फ इतना ही नहीं है, गुस्सा इस बात को भी लेकर है कि जो सवाल मीडिया को उठाना चाहिए था वह सवाल आज छात्र और शिक्षकों द्वारा उठाया जा रहा है। तो आज के दी करंट अफेयर्स में हम बात करने वाले हैं मीडिया की भूमिका पर उठते हुए सवाल और उसके समाधान पर। तो चलिए आज के दी करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। लोकतांत्रिक देशों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। 18वीं शताब्दी के बाद से, खासकर अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन और फ्रांसीसी क्रांति के समय से, जनता तक पहुंचने और उसे जागरूक कर सक्षम बनाने में मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मीडिया शब्द का मतलब क्या हुआ? मीडिया एक समग्र तंत्र है जिसमें प्रिंटिंग प्रेस, पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, सिनेमा या फिर सोशल मीडिया, जिसमें सूचना के माध्यम सम्मिलित होते हैं। मीडिया अगर सकारात्मक भूमिका अदा करे तो किसी भी व्यक्ति, संस्था, समूह और देश को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक रूप से समृद्ध बनाया जा सकता है। लेकिन अगर मीडिया नकारात्मक भूमिका अदा करे तो किसी भी व्यक्ति, संस्था, समूह और देश को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से बर्बाद किया जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया लोगों के विचारों को प्रभावित करने या परिवर्तित करने में अहम भूमिका निभाता है। इसकी भूमिका के अंतर्गत न केवल राष्ट्र के समक्ष उपस्थित समस्याओं का समाधान खोजना शामिल है, बल्कि लोगों को शिक्षित तथा सूचित भी करना है ताकि लोगों में समालोचनात्मक जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके। अगर कोई सरकार पॉलिसी लाती है और उस पॉलिसी से जनता को नुकसान पहुंच सकता है तो मीडिया का ये काम है कि मीडिया उस पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ उठाए। परंतु विगत समय में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं जो यह बताता है कि उनका झुकाव सत्य की खोजने की बजाय TRP हितों या फिर वाणिज्यिक हितों की ओर अधिक है। भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी कि मीडिया लोगों के विचारों को परिवर्तित करने या फिर उसे बदलने की क्षमता रखता है। तो आपके हिसाब से वर्तमान समय में मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए? आप नीचे कुछ कमेंट सेक्शन में कुछ पॉइंट्स बता सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं भी आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। वर्तमान समय में मीडिया की भूमिका होनी चाहिए रोजगार पर बात करने की। जिस प्रकार से युवाओं को सामने आना पड़ रहा है, जिस प्रकार से शिक्षकों को सामने आना पड़ रहा है, तो यहाँ पर मीडिया को सामने आने की ज़रूरत है। वर्तमान समय में मीडिया की भूमिका होनी चाहिए सुरक्षा पर बात करने की, चाहे सीमा सुरक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य सुरक्षा की बात हो। वर्तमान समय में मीडिया की भूमिका होनी चाहिए अर्थव्यवस्था पर बात करने की, जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था इस प्रकार से नीचे गिरी है कि वो उठ भी पाएगी या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। तो मीडिया की भूमिका यहाँ पर ये होनी चाहिए। अगर सरकार की कोई पॉलिसीज आ रही है और वो मीडिया को पता है कि ये पॉलिसी गलत है, इससे जनता को नुकसान हो सकता है, तो मीडिया की भूमिका यहाँ पर ये होनी चाहिए कि वो सरकार की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करे। इसके अलावा मीडिया की भूमिका होनी चाहिए लोगों में सही जागरूकता फैलाना, लोगों को शिक्षित करना। तो इस प्रकार से मीडिया की भूमिका होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में या फिर आप पिछले कुछ सालों से कह लो, मीडिया ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किस प्रकार से किया है। मीडिया को अधिकार दिया जाता है हमारे संविधान के Article 19(1)(क) के तहत, इनको स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है, लेकिन इन्होंने अपने स्वतंत्रता का अधिकार का दुरुपयोग किस प्रकार से किया है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के मदद से समझते हैं। सबसे पहले समझो पेड न्यूज़।
पेड न्यूज़ का अगर सरल शब्दों में मैं आपको मतलब बताऊं कि आप किसी न्यूज़ चैनल्स को या किसी पत्रकार को पैसे दे दो और आप जो न्यूज़ दिखवाना चाहते हो वो दिखवा लो। इसका सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो इलेक्शन में किया जाता है। यहाँ पर कुछ आंकड़े मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, 2014 इलेक्शन का, 2015 इलेक्शन का अलग अलग राज्यों का, 2016, 2017 या फिर 2018 कितने पेड न्यूज़ के केसेस सामने आए हैं ये आप देख लो। ये तो सिर्फ एक आंकड़े हैं, लेकिन पेड न्यूज़ को पकड़ना या फिर उसे सामने लाना बहुत मुश्किल वाला काम होता है। कैसे आप पहचानोगे कि कौन सा न्यूज़ जो है वो पेड न्यूज़ है, क्योंकि उसमें जो पेमेंट होता है वो बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से पेड न्यूज़ को पहचानना भी बहुत मुश्किल काम है, फिर भी इतने केसेस सामने आए हैं हमारे देश में। ये पहली समस्या हो गई। दूसरी समस्या क्या है, आप कभी कभी सुनते हो कि इस न्यूज़ चैनल की तरफ से स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया है, तो इस ऑपरेशन से सामने वाले का जो निजता का अधिकार है उसका हनन किया जाता है। हमने सामने वाले को बिना गुनहगार के ही उसे दोषी करार दे देते हैं, उससे भी सामने वाले का जो निजता का अधिकार है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो मीडिया अपने अधिकारों का दुरुपयोग जो है यहाँ पर भी करती है। इसके अलावा कुछ सुरक्षा के मामलों में भी आप देख सकते हो कि मीडिया ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। एग्ज़ाम्पल, सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल 2008 में मुंबई ब्लास्ट होता है, और उस ब्लास्ट में मीडिया के कुछ टेलीकास्ट की वजह से आतंकवादियों को सहायता मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पठानकोट में जब अटैक हुआ था तो वहाँ पर भी कहा जा रहा था कि मीडिया के कुछ ऐसे फुटेज की वजह से जो है राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुँचा था। इसके अलावा राष्ट्र सुरक्षा को और भी खतरे में डाला गया है धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान करके भी यहाँ पर मीडिया के द्वारा अपना जो अधिकार है उसका हनन किया है। देश में जहर घोलने का काम आप कह सकते हो एक तरह से मीडिया द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि पिछले कुछ सालों में मीडिया द्वारा जो इसको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसका काफ़ी हनन हुआ है। तो आप इन पॉइंट्स के आधार पर कह सकते हो कि मीडिया द्वारा जो इनको अधिकार दिया गया है, जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जो आर्टिकल 19 में इनको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उसका काफ़ी हनन हुआ है। इसके बाद अगर मैं बताऊँ तो कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं वो भी बताती हैं कि भारत में जो न्यूज़ चैनल्स हैं या भारत की जो मीडिया है वो किस स्थान पे खड़ी है। तो एक रिपोर्ट्स जो 2020 का रिलीज़ हुआ, इस रिपोर्ट्स को रिलीज़ करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और इस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और 2020 के अनुसार इस रिपोर्ट में जो टोटल कंट्रीज़ हैं 180 देशों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है, और जिसके अनुसार जो भारत का स्थान है 142वां है 2020 में। तो आप समझ सकते हो कि भारत का जो मीडिया है वो किस जगह पे खड़ा है, और 2019 में 140वें स्थान पे था, 2019 में कहाँ पहुँच गया, 142वें स्थान पे। तो 2020 के इस रिपोर्ट के आधार पर भी आप कह सकते हो कि भारत की जो मीडिया है अपने अधिकारों का बखूबी दुरुपयोग कर रही है, और ये भी कह सकते हो कि भारतीय मीडिया को जो स्वतंत्रता दिया गया है उसका भी बहुत हद तक दुरुपयोग किया गया है। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि भारतीय मीडिया अपने दिए गए अधिकारों का किस प्रकार से जो है वो दुरुपयोग कर रही है, या फिर ये भी हमने समझा कि भारतीय मीडिया का भूमिका किस प्रकार से होना चाहिए। लेकिन अब कंक्लूज़न पे आते हैं, कंक्लूज़न क्या होना चाहिए, समाधान क्या होना चाहिए। तो समाधान आप इन कुछ बिंदुओं पर ढूंढ सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है प्रेस परिषद अधिनियम जो 1978 है, इसमें वर्तमान समय में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। रिफॉर्म्स की आवश्यकता किस प्रकार से है, रिफॉर्म्स की आवश्यकता सबसे पहले पॉइंट पे अगर आप कहोगे तो इसे अर्धन्यायिक दर्जा प्राप्त है। अर्धन्यायिक मतलब यह पूरी तरह से न्याय नहीं कर सकता, इसके पास में कुछ सीमित ही शक्तियां हैं, यह मीडिया के लोगों को या मीडिया चैनल को जो है वो सजा नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ जो है उसे चेतावनी दे सकता है। तो यहाँ पर इसे जो है इस परिषद को एम्पावर करने की ज़रूरत है, या फिर इस परिषद को रिकन्स्ट्रक्ट करके एक अलग से परिषद गठन किए जाने की आवश्यकता है, इसे एम्पावर करने की आवश्यकता है। इसके अलावा मीडिया संगठनों में लोकपाल की नियुक्ति होनी चाहिए। लोकपाल की नियुक्ति होने से ये होगा कि मीडिया द्वारा जो चलाए जा रहे खबर हैं उस पर नज़र रखा जा सके, कौन सा न्यूज़ राष्ट्रहित में है, कौन सा न्यूज़ राष्ट्रहित में नहीं है, हिंदू मुसलमान की बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उस सारा काम जो है इस लोकपाल के द्वारा
हो जाएगा। तो मीडिया संगठनों में एक लोकपाल की नियुक्ति होनी चाहिए। इसके अलावा सिविल सोसाइटी द्वारा निगरानी भी इस समस्या से निपटने में मदद कर सकती है। तो मीडिया क्षेत्र में एक सिविल सोसाइटी का भी गठन होना चाहिए। पार्टी लाइन से हटकर कई राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों अधिकार की धारा, जो इस प्रेस परिषद अधिनियम 1978 की जो धारा 123 है, इसमें संशोधित करके पेड न्यूज़ के लिए एक कड़ा कानून बनाने की भी बात करते हैं। कड़ा कानून कहने का मतलब है, अभी आप अगर पेड न्यूज़ के तहत पाए जाते हो तो 3 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इससे भी ज़्यादा कड़ा जो सज़ा है वो होना चाहिए, इस तरह से प्रावधान होने चाहिए। इसके सॉल्यूशन में आप एक पॉइंट ये दे सकते हो। इसके अलावा और क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? सरकार को जो भी संपादक हैं या पत्रकार हैं उसके स्वतंत्रता तथा वेतन संबंधी स्थिति की समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। और ये समीक्षा बहुत आसानी से हो जाएगा अगर मीडिया संगठनों में लोकपाल की नियुक्ति हो जाती है तो। इसके अलावा कठोर दंड की भी आवश्यकता है। किसी न्यूज़ चैनल्स, रिपोर्टर्स, ये सब बहुत बेफिक्र होते हैं आज के समय पे। उनको बहुत पावर दिया गया है और एक्चुअल में उनको उनके पास में पावर होता है क्योंकि वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो उनके पास में पावर तो होगा। लेकिन पावर को किसी एक संस्था के द्वारा कंट्रोल किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये समय पर कंट्रोल नहीं होता है तो आने वाले समय में इसका बहुत ही दुर्गम परिणाम देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से आप कंक्लूज़न में कुछ पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा एनालिसिस, भारतीय मीडिया की वर्तमान समय में भूमिका किस प्रकार से होनी चाहिए, भारतीय मीडिया वर्तमान समय में सवालों में क्यों है, इसका समाधान किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से ये अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इन सारे बिंदुओं पे हमने समझा भारतीय मीडिया की वर्तमान स्थिति और इस पे उठ रहे सवालों और समाधान पर भी हमने चर्चा किया। आप कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर बताइएगा कि वर्तमान समय में भारतीय मीडिया की भूमिका किस प्रकार से होनी चाहिए और कंक्लूज़न में भारतीय मीडिया में किस प्रकार से रिफॉर्म्स होने चाहिए, इसके लॉज में किस प्रकार से रिफॉर्म्स होने चाहिए। अगर आपके पास कुछ पॉइंट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो आज के दी करंट अफेयर शो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।